वर्तमान कोच रवि शास्त्री समेत 6 उम्मीदवार भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की दौड़ में बने हुए हैं। इनमें न्यूजीलैंड के पूर्व कोच माइकल हैसन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व हरफनौला और श्रीलंका के कोच टॉम मूडी, वेस्टइंडीज के पूर्व हरफनौला और अफगानिस्तान के कोच फिल सिमंग्स, भारतीय टीम के पूर्व मैनेजर लालचंद राजपूत, भारत के क्षेत्ररक्षक कोच रॉबिन सिंह और शास्त्री शामिल हैं। उम्मीदवारों ने कपिल देव की अगुवाई वाली क्रिकेट सलाहकार समिति के सामने प्रेजेंटेशन दिया। इस पर अंतिम फैसला इस सप्ताह के आखिर में या अगले सप्ताह के शुरुआत तक किया जाएगा। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया, इन 6 ने सीएससी के सामने प्रेजेंटेशन दिया है। समझा जाता है कि उन्हें सीएससी ने इंटरव्यू के लिए चुना है। वेस्टइंडीज दौरे पर रवाना होने से पहले कप्तान विराट कोहली ने कहा था कि वह चाहते हैं कि शास्त्री मुख्य कोच बने रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब क्रिकेट केसरी पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।